बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत दिनों के बाद आज सोचा कि व्लॉग बना के अपलोड कर दिया जाए और मैं अपने घर के बाहर आके बैठा हूँ और व्लॉग बना रहा हूँ। मेरे साथ हमाद मौजूद है। मेरे घर के बाहर एक शख्स गाड़ी खड़ी करके चला गया तकरीबन दिन के 1 बजे से, मगर अभी तक उस गाड़ी को कोई लेने नहीं आया। मैं गाड़ी आपको नहीं दिखाऊंगा, गाड़ी आगे नंबर प्लेट लगी हुई, शायद कोई लेने आ जाए। और अभी इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 7:30 का टाइम है। बाकी आपके साथ शेयर करते हैं आगे। यार माशाल्लाह कल पहला रबी अव्वल है तो मैंने कैलेंडर में 12 रबी अव्वल का दिन देखा कि कौन सा दिन आ रहा है क्योंकि ऑफिस की छुट्टी होगी। अब मैंने अपने कैलेंडर में जब दिन काउंट किए तो संडे के दिन यार 12 रबी अव्वल आ रहा है, हमारी एक छुट्टी मर गई। हाँ अगर कोई मंडे होता ट्यूसडे होता तो चलो एक छुट्टी हमें मिल जाती है, थोड़ा घर में रिलैक्स होते सोते चिल करते। अपने बेटे अफान को लेकर एक दर्जी की शॉप पे क्योंकि अगले महीने मेरे घर में कोई शादी है मेरे कज़न की, तो मैं भी खरीदारियों में लगा हुआ हूँ और अफान का एक सूट सिलवाने आए दर्जी के पास। अफान, ये अफान मेरे साथ है, ये दर्जी है मेरे भाई। यार आप अपना नाम बता दो क्या है? दानिश। और अपना दुकान का एड्रेस भी बता दो कहाँ है जी? एमके टेलर गुलशियाजीत कमर्शियल मार्केट में इनकी शॉप है। अफान का सूट सिलवा रहा हूँगा, ये अफान की कमीज़ है डार्क ब्राउन कलर की और ये वाइट कलर की अफान की शलवार है। तो अफान ये शादी पे पहनेगा तो फिर देखेंगे पहनने के बाद कि मेरा बेटा अफान कैसा लगेगा। अफान अच्छे लगोगे बुरे लगोगे? अच्छा लगेगा मेरा बेटा। ये छोटे घर कारीगर ये किसी कमीज़ का बटन लगा रहे हैं और एक जो कारीगर है वो दुनिया का सबसे माया नाश काम कर रहा है वो ये देखो, ये आप देख लो कि ये दुनिया का सबसे माया नाश काम कर रहा है। ये मोबाइल में लगा हुआ है, नो टेंशन, कोई फिक्र दुनिया की नहीं है। और एक ये है कि दुनिया की फिक्र में लगे हुए, एक मैं हूँ कि मैं भी दुनिया की फिक्र में लगा हूँ। ये भाई माशाल्लाह है, देखो कटिंग कर लिएगी, सूट सिलवाना आएगा फिर देखते हैं सूट सिलने के बाद अफान कैसा लगेगा। अफान और मैं इस वक्त आइसक्रीम लेने आए, अफान मेरे साथ बाइक पे मौजूद है और ये भाई हैं। अफान का सूट सिलाई के लिए दे दिए, अब घर से आ रहे हैं अफान के लिए आइसक्रीम ले आओ। आइसक्रीम लाया अफान और मेरी बेटी अंशरा। कपड़े दर्जी को देने के बाद घर आ गए हम, पर आते हुए रास्ते में आइसक्रीम लिए आया, इतना रो रहा है कि मैं अपनी बहन को आइसक्रीम नहीं दूंगा, लेकिन अभी खामोश हो गया आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये अंशरा आइसक्रीम खा रही है। अंशरा कैसे आइसक्रीम खाती है बताए? जी बढ़िया है। अंशरा पापा गंदा है कि अच्छा है? अच्छा है पापा? हाँ नहीं पापा गंदा है, अच्छा है। हाँ इस वक्त हम मौजूद हैं एक बाज़ार में, कोई सामान लेना है, देखते हैं क्या चीज़ पसंद आती है वो सामान लेते हैं। ये बर्तन बेच रहा है, ये बहुत ख़तरनाक आदमी है ये, इसको मैं जब से जानता हूँ जब ये चड्डी में आता था। अब ये बड़ा हो गया, दाढ़ी मूछें निकल गई है इसकी और ये बर्तन बेच रहा है। क्या लें तो बता दे, कहाँ बाज़ार बाज़ार लगा हुआ? तो काफ़ी सामान है यार, यहाँ पर हर चीज़ मिल रही है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये बच्चों की शलवार कमीज़ें पड़ी हैं यार, ये सूट तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, बच्चों की शलवार कमीज़ें। ये चप्पलें पड़ी हैं यहाँ पर, बहुत सारा सामान है यार, बहुत पूरा बाज़ार लगा हुआ है, शूज़ चप्पलें कपड़े बैग हर चीज़ यहाँ पर मिल रही है। ये बर्तन की शॉप है, बर्तन मिल रहे हैं यहाँ पर। कैमरा में इसलिए ऊपर नहीं कर रहा क्योंकि खवातीन मौजूद हैं। बाजार से वापस आ गए, सब कुछ मिल रहा था बाजार में, सिर्फ मुझे अंगूर ले रहे थे, अंगूर नहीं मिले। अब कहीं और से अंगूर लाने पड़ेंगे, बाहर कहीं से देखते हैं कहीं से अंगूर मिल जाए। तो इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।